हेलो एंड वेलकम टू द सेकंड टॉपिक ऑफ डेली स्कैन इन दिस टॉपिक वी विल बी टॉकिंग अबाउट एबीसी यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या होता है ये और क्यों अभी न्यूज़ में है इसको अपन समझते हैं सबसे पहले न्यूज़ में इसलिए है अपन इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि पिछले तीन महीने में ही सिर्फ 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने एक्सेस किया है एबीसी को इसके अलावा टोटल सब्सक्रिप्शन जो है 3 गुना इससे ज्यादा यानी कि थ्री करोड़ क्रॉस हो चुका है यह खुद में एक लैंडमार्क अचीवमेंट है क्योंकि जो एबीसी फ्रेमवर्क है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लॉन्च हुई थी उसके तहत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क था जो स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया था इसी वजह से ये दिखाता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ये स्टेप स्टूडेंट्स बहुत तेजी से अडॉप्ट कर रहे हैं जब उन्हें इंस्टीट्यूशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं क्या है ये फ्रेमवर्क और क्यों इंपॉर्टेंट है सबसे पहले अपन समझते हैं तो सपोज एक स्टूडेंट है टोटल तो जो पॉइंट चाहिए ग्रेजुएट होने के लिए वो सौ पॉइंट है अब ये नर्सिंग का कोर्स दो साल का है हुआ क्या इसको सौ पॉइंट्स अर्न करना है तो से फॉर द फर्स्ट ईयर वो ए इंस्टीट्यूट से किया और ए इंस्टीट्यूट से जब उसने किया उसको 60 पॉइंट्स प्रोवाइड हुए मिल गए उसके बाद उसने क्या किया बी इंस्टीट्यूट में स्विच कर लिया कुछ समय के लिए और फाइनली उसने कितना say, 20 कर लिया और 20 पॉइंट्स एक नेक्स्ट इंस्टीट्यूट सी से अर्न कर लिया तो इस तरीके से क्या हुआ अलग-अलग इंस्टीट्यूट -अलग से वो क्रेडिट अपने इस बैंक में इसको बोला गया है एबीसी यानी कि एक डिजिटल क्रेडिट जैसे कि आप मान सकते हो कि नेट बैंकिंग में जो डिजिटली आप बैंक में बैलेंस करते हो वैसे ही यहां पे आपके क्रेडिट पॉइंट्स स्टोर होते जा रहे हैं और इसके बाद जब ये टोटल क्यूमुलेटिव पॉइंट्स हो जाएंगे तब जाके आपको वो डिग्री प्रोवाइड कर सकती है अब यदि अपन इस बात में समझें तो सिंपली आप समझिए यहां पर क्या हुआ एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट तक स्विच किया गया, कि फ्लेक्सिबिलिटी मुझे मिली है, है? ठीक मल्टीपल चीजें सकता हूं तो मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं सिर्फ एक ही ब्रांच नहीं बल्कि उसी स्ट्रीम के अंदर दूसरी ब्रांचेस को कर सकता हूँ यानी कि मुझे करेकुल की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो मिल जाएगी इसके अलावा आप मान लीजिए पर कंडीशन uh, में, तो में हमारे फ्रेमवर्क में क्या है? यदि उसने कॉलेज छोड़ दिया तो उसकी डिग्री कैंसिल नहीं मिलेगी अब इसमें क्या है वो सिक्सटी पॉइंट को अभी अर्न कर ले बाद में कुछ समय बाद वो फिर से रिस्टोर करके पॉइंट्स को सिक्योर कर सकता है यानी कि जॉब और वर्क फ्लेक्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू द नीड जॉब टू एजुकेशन जो ट्रांजिशन है वो भी अचीव किया जा सकता है इस तरीके के जो ट्रांजेक्शन हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यही है एक बेसिकली यानी कि एबीसी अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स सिंपली एक ऐसा नॉवेल कॉन्सेप्ट है जहां पर जो तो क्रेडिट्स कोई भी स्टूडेंट स्कोर करेगा वो डिजिटल फॉर्मेट फॉर्मेटमर स्टोर होगा और ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है इस कॉन्सेप्ट के बारे में और अपन पढ़ते हैं तो 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इंट्रोड्यूस किया गया था यूजीसी इसके रेगुलेटिंग बॉडी है यानी कि जो यूजीसी जो है एजुकेशन की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बॉडी है उसके अंदर ये आती है और आ,

This are the basic overview. अब यदि अपन समझे कि कैसे वर्क करता है तो सबसे पहले प्रोसेस होता है एलोकेशन यानी कि जैसे मैंने बोला नर्सिंग के लिए आपको कितने क्रेडिट चाहिए सौ तो क्रेडिट चाहिए पास होने के लिए तो ये सौ क्रेडिट कौन असाइन किया जो भी इंस्टीट्यूट जिसमें आप भर्ती हो रहे हो एडमिशन ले रहे हो उसने ये डिसाइड किया कितने टाइम में करना है बाकी डिटेल्स भी यूजीसी डिसाइड करता है अब इसके अलावा यदि आप देखो यहां पर कुछ छोटे छोटे रूल्स है इंस्टीट्यूशन लेवल पर कॉलेज लेवल पर कोई प्रॉब्लम ना आए फॉर एग्जाम्पल एक रूल है कि जैसे सौ आपको क्रेडिट सिक्योर करना है तो जो 50 परसेंट जो क्रेडिट आना चाहिए यानी इस केस में कितना रहेगा इस केस में 50 क्रेडिट जो आने चाहिए वो कहां से आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी इंस्टीट्यूट जहां पर आपने पहले एडमिशन लिया था उससे आएंगे इस तरीके के कुछ छोटे रूल्स डेफिनेटली बनाए गए उसके बाद ये सारे पॉइंट्स जैसे जैसे सेमेस्टर या एग्जाम के बेसिस में कोई एक्यूमलेट करते जाएगा स्टूडेंट तो वो स्टूडेंट के एबीसी अकाउंट में खाते में ये एक्यूमलेट होते जाएंगे

ले सकता हूं और इसमें मैं मैं क्रेडिट ट्रांसफर करा सकता हूं यानी कि आधा ऑन जॉब मैं मैं भी वैल्यू बढ़ जाएगी यदि बात करते हैं इसमें कौन से इंस्टीट्यूशन जो एक जिनका एनएससी से द्वारा एक्रेडिशन किया गया है सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही ये परमिशन दी जाएगी ये क्रेडिट रजिस्ट्री मेंटेन करने की

दूसरे इंस्टीट्यूट में करोगे या कुछ करोगे तो किसी भी कंपनी में जो आपने वो अप्लाई किया है वहां पर उस क्रेडिट की रिकॉग्निशन होगी तो स्लोली वी आर मूविंग अवे किससे जहां पर सिर्फ और सिर्फ डिग्री की वैल्यू है उससे वी आर मूविंग टूवर्ड्स वैल्यू ऑफ रेलिवेंट स्किल्स जो रेलिवेंट है आप उसमें कितना क्रेडिट सिक्योर किए हो ये भी फ्यूचर में सिस्टम एक्यूमुलेट कर सकता है इसके अलावा अपन ने ऑलरेडी देख लिया है कि सिर्फ वेरीफाइड कर पाएंगे तो वो एक अच्छा होगा इट स्टोर स्टोर स्टूडेंट्स के लिए लंबे समय तक स्कोर करे रहेगा उसके बाद पूरे के पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी ये सारे एडवांटेजेस अपन ऑलरेडी देख चुके हैं और जो एक इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जो अपन ने देखा एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफर करने का वो इसकी वजह से ज्यादा फैसिलिटेट होगा अब यदि अपन बात करें कुछ कंसर्न्स हैं वो क्या कंसर्न हो सकती हैं कि सबसे पहले लर्निंग अभी क्या होता है एक कॉलेज में या होता है? नहीं होता है. तो ये कैसे स्विच होगा ट्रांजिशन कैसे होगा अभी तक प्रॉपरली अंडरस्टूड नहीं है क्या स्टेट यूनिवर्सिटीज में परमिटेड होगा कि सिर्फ सेंट्रल लेवल की नॉट क्लियरली कैसे ये होगा साथ ही साथ कॉलेजेस यदि इंटर स्टेट हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट या दूसरी यूनिवर्सिटी में हो तो और ज्यादा चैलेंजिंग बन जाएगा एक मेजर होगा कि आप सोचो जब भी कोई एडमिशन लेता है तो क्या होता है वो कौन से कॉलेज में एडमिशन ले रहा है उस कॉलेज की ब्रांड वैल्यू होती है जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग बी बी ठीक है तो इसमें क्या है आप यदि कोई प्राइवेट कॉलेज से करोगे तो आपका वैल्यू कम रहेगी इफ यू आर डूइंग फ्रॉम आई थोड़ी सी ज्यादा रहेगी एनआईटी थोड़ी सी उससे कम रहेगी बट ओवरऑल प्राइवेट कॉलेज से ज्यादा रहेगी या कुछ प्राइवेट कॉलेज में भी अलग वैल्यू है तो सिर्फ कॉलेज और क्रेडिट सिस्टम की बात नहीं होती है कॉलेज का ब्रांड इंडिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यानी कि अपन जो एक फ्रेमवर्क में आ रहे हैं कि ऑन द साइमल्टेनियस ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट आपको क्या जरूरत है क्वालिटी फ्रेमवर्क ऑफ मेजर इंस्टीट्यूशंस की भी जरूरत है जो जो फ्रेमवर्क उन्हें क्या दिया जाएगा उन्हें और ज्यादा यह पिछड़ जाएंगे इनकी वैल्यू और ज्यादा कम हो जाएगी इनको और ज्यादा प्राथमिकता कम मिलेगी क्या होगा ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप है आप समझो पर्टिकुलरली यदि देखें एक एजुकेशन सिस्टम में कौन कौन स्टेक होल्डर होता है सबसे बड़ा स्टेक होल्डर होता है स्टूडेंट स्टूडेंट के बाद होता है कॉलेज या इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट के अलावा आप यूनिवर्सिटी भी बोल सकते हो एक और होता है जॉब मार्केट प्रोवाइडर यानी कि कंपनीज होती हैं और चौथा मेजर स्टेक होल्डर जो होता है सरकार होता है जिनका काम मेजरली रेगुलेशन रहता है और एक रहता है सोसाइटी अब ये सारे के सारे जो रिफॉर्म्स लिए गए हैं ना ये लिए गए हैं स्टूडेंट परस्पेक्टिव में स्टूडेंट्स को हर लेवल की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जा रही है मल्टीपल एंट्री एग्जिट अलग अपना करिकुलम चूज करने का जॉब के साथ काम काम कर, करने का डिस्टेंस लर्निंग के कोर्स इनकॉर्पोरेट करने का और यदि ये एकेडमिक और स्टूडेंट लिंकेजेस सही से बैठ गई जॉब मार्केट के साथ तो होगा क्या कंपनीज़ को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और इंस्टीट्यूट के लिए क्या होगा एक कॉम्पिटिशन की जरूरत होगी जहां पर इनको अपनी क्वालिटी फ्रेमवर्क इंप्रूव करना पड़ेगा तो दैट इज हाउ यू कैन कंक्लूड एनी क्वेश्चन विद दिस रिगार्ड दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक थैंक यू